कहा जाता है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसकी हर चाल चुनावी होती है। बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। उत्तर भारत और हिंदी भाषी राज्यों पर नजर डालें तो बीजेपी लगभग पीक पर पहुंच गई है, लेकिन बीजेपी के सामने साउथ के राज्यों में अपनी जड़ें जमाने की चुनौती है। हालांकि बीजेपी पिछले कुछ सालों से इस पर फोकस भी कर रही है, लेकिन उसे मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु पर खास फोकस कर रही है। इन पांचों राज्यों में लोकसभा की करीब 249 सीटें हैं। साल 2019 में बीजेपी को इन 249 सीटों में सिर्फ 120 सीटों पर ही जीत मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 80 में से 62 सीटें जीती, महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीट, पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें, बिहार की 40 में से 17 सीटें हैं। अगर दक्षिण भारत के राज्यों की बात की जाए तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी के लिए यहां अपनी पकड़ बनाना चुनौती है। सबसे पहले देश के सबसे बड़े राज्य और सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश यूपी की बात करें तो यहां विपक्षी दल अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पर पीएम मोदी और बीजेपी के चाणक्य के कहे जाने वाले अमित शाह का पूरा ध्यान है। यूपी की इन्हीं 80 सीटों में से जो सबसे ज्यादा सीटें जीतता है वो केंद्र में सरकार बनाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश को अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में बांटा गया है। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती ने महागठबंधन बनाया। इसमें राष्ट्रीय लोक दल भी शामिल हुई। महागठबंधन के तहत बसपा 38, सपा 37 और रालोद 3 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी। एनडीए से बीजेपी 78 और अपना दल एस 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। यूपीए तब तीसरे गठबंधन के रूप में चुनावी मैदान में थी। कांग्रेस ने इस चुनाव में 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इस चुनाव में बीजेपी 62, सहयोगी अपना दल एस 2 और महागठबंधन की ओर से बसपा ने 10, सपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को महज 1 सीट पर ही जीत मिली, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव साल 2019 वाली स्थिति में नहीं है। इस बार अखिलेश को चाचा शिवपाल के साथ होने का फायदा मिल सकता है। इन दिनों पीएम मोदी और अमित शाह के लिए सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला क्षेत्र वेस्ट यूपी भी है। 3 कृषि कानून, एमएसपी का वादा पूरा ना होने और महिला पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर पश्चिमी यूपी के लोगों, खासकर जाट वोटरों में बेहद नाराजगी है। मोदी और शाह इस बात से बखूबी वाकिफ भी हैं, इसलिए दोनों दिग्गज इस क्षेत्र के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी ने अपने पारंपरिक वोटर्स के साथ साथ मुस्लिम वोटर्स को साधने की भी तैयारी कर ली है। इस कड़ी में बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी की है, जिसकी टैगलाइन न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है रहेगी। इसके अलावा ओबीसी वोट बैंक के लिए भी खास प्लान बनाया है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो राज्य में वाम दलों और कांग्रेस का करीब करीब सफाया हो चुका है। यहां तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी की और बीजेपी की सीधी लड़ाई होने वाली है। साल 2014 में बंगाल में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली बीजेपी ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बंगाल में 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी ने 22 सीटें हासिल की थी। साल 2019 में बीजेपी ने 40.3% वोट हासिल किए थे, जबकि टीएमसी का वोट प्रतिशत 43.7% रहा था। इस बार बीजेपी ने बंगाल में 35 सीटों पर जीत का टारगेट सेट किया है, लेकिन बीजेपी के सामने साल 2024 के चुनाव में चैलेंज भी कम नहीं है। 35 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने में जुटी बीजेपी के सामने पश्चिम बंगाल में आंतरिक कलह चिंता का सबब बन चुकी है। पार्टी को इससे भी निपटना होगा। वहीं महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों पर मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच देखने को मिलेगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में साल 2019 की तरह बड़ी जीत हासिल करने के लिए महाराष्ट्र बीजेपी ने खास प्लान बनाया है। इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी दल बदल चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव में उतरेगी। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी को सहयोगियों के साथ सीटें शेयर करनी होंगी। वहीं एबीपी न्यूज और सी वोटर ने अपने ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान होने की बात कही है। ओपिनियन पोल में एनडीए को 19 से 21 सीटें मिलने का अनुमान किया गया है।
जबकि इंडिया गठबंधन को 26 से 28 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। ओपिनियन पोल में 1 से 2 सीट अन्य के खाते में जाने की बात भी सामने आई है। साल 2019 में बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटें अपने तत्कालीन सहयोगी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना के लिए छोड़ी थी। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन में है। तीनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की कमान एक बार फिर अपने हाथ में ले ली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक में राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के इस्तीफा देने के बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे के आर्थिक आंकड़ों की रिपोर्ट जारी होने के साथ राज्य में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा है। राजनीतिक जानकार नीतीश कुमार के दांव को लोकसभा चुनाव के लिए ठोस कदम देख रहे हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन में RJD, JDU, कांग्रेस के साथ ही लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। यहां 40 लोकसभा सीटों के लिए 6 पार्टियां दावेदारी कर रही हैं, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में JDU, BJP और LJP के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। इसमें जनता दल यूनाइटेड के 16 प्रत्याशी, LJP के 6 प्रत्याशी चुनाव जीते थे। साल 2019 में एनडीए गठबंधन ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई थी। इस स्थिति में बीजेपी की नज़र उन 17 संसदीय क्षेत्रों पर है जो विरोधियों के कब्जे में है। एनडीए में फिलहाल LJP, राष्ट्रीय LJP, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनता दल है। ऐसे में कहा जा रहा है कि JDU से अलग होने के बाद बीजेपी इस बार किसी भी स्थिति में अपनी सहयोगी पार्टियों के लिए ज़्यादा सीट नहीं छोड़ेगी। वहीं तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। AIADMK ने NDA का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में बीजेपी अकेले यहां पर चुनाव लड़ सकती है। तमिलनाडु में DMK और AIADMK के बीच ही मुकाबला होता रहा है। इसी कारण हाल ही में 2 बार गृह मंत्री अमित शाह वहाँ का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी यहाँ की 7 सीटों पर हर हालत में जीतना चाहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई भी यहाँ पार्टी को मजबूत करने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं और वो भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर यात्रा निकाल रहे हैं। अगर इस कोशिश में वो सफल होते हैं तो लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर यहाँ पर बदल सकती है। बता दें कि 2019 में AIADMK ने बीजेपी को 6 सीटें दी थी, लेकिन इस बार वो साथ नहीं है। ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश अपने दम पर सीटें हासिल करने की करेगी। साल 2019 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और गठबंधन ने राज्य की 39 सीटों में से 37 पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को केवल 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। बीजेपी फिलहाल मोदी की गारंटी के रथ पर सवार है और लगातार कहती है कि बीजेपी ने अपने वादे पूरे किए हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का मुद्दा शुरू से ही बीजेपी और संघ का मुद्दा रहा है। अब आर्टिकल 370 हट चुका है और 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बीजेपी नागरिक संशोधन बिल भी पास कर चुकी है, हालांकि इसे अभी लागू किया जाना बाकी है। महिला आरक्षण का कानून भी बन गया है। ऐसे में अब बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वो कौन से नए मुद्दे होंगे जो बीजेपी के लिए वोट बैंक जुटाएंगे। फिलहाल समान नागरिक संहिता का मुद्दा तो है, लेकिन ये भी काफ़ी समय से चल रहा है। बीजेपी की कई राज्यों की सरकार इस पर भी काम कर रही है। बीजेपी की चुनौती नए मुद्दे तलाशने के साथ साथ उनके इर्द गिर्द माहौल बनाने की भी है। साथ ही बीजेपी जिस रेवड़ी पॉलिटिक्स पर निशाना साधती है उसकी क्या काट निकालेगी और खुद को उससे कैसे अलग करेगी, ये भी बीजेपी की चुनौती है। बीजेपी दूसरी पार्टियों पर तो रेवड़ी पॉलिटिक्स का आरोप लगाती है, लेकिन हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खुद लोगों से इस तरह के वादे किए और उन्हें घोषणा पत्र में भी शामिल किया। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार रमन ने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।